अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं कैन मार्केट कैप के ऊपर हूं और 24% के हिसाब से इस टाइम BTC की जो करंट मोमेंट है, तो इस टाइम BTC जो है 0.37% अप है। इथेरियम ईथ जो है 1.87% अप है और बाइनेंस BNB कैन जो है इस टाइम 0.66% अप है। तो सबसे पहले चलते हैं पीयर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ। और अभी भी इसकी जो वैल्यू है 22, जो कि मार्केट के अंदर अभी भी एक एक्सट्रीम पीयर है। तो अब चलते हैं कैन ग्लास डेटा के ऊपर और बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। इस टाइम फोर हॉल टाइम पीरियड के हिसाब से जो लॉन्ग की पोजीशन है 50.45% है और जो शॉर्ट की पोजीशन है तो वो 49.55% है। तो अब चलते हैं टेक्निकल वाइज BTC USDT पेयर को ऑब्जर्व करने के लिए। BTC USDT पेयर को जो स्ट्रांग सपोर्ट हासिल है फोर हॉल टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वो 46K का रीजन है। और ये वाली इसके लिए प्रीवियस सीमी सपोर्ट थी, तो अब इसके लिए सीमी रेजिस्टेंस बन चुकी है, जो कि 46750 जो है अब इसके लिए एक सीमी रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक कर पाता है तो फिर BTC USDT पेयर के लिए जो नेक्स्ट फोर हॉर के ऊपर रेजिस्टेंस है, आलमोस्ट नेक लाइन के ऊपर के लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस 47914 के आसपास जो है रेजिस्टेंस है। तो खैर अभी BTC को एक जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस की जो सपोर्ट है वो 45K का जो रीजन है, यहाँ पर इसे सपोर्ट हासिल है। इनकेस अगर ये सस्टेन नहीं कर पाती तो फिर जो है 42 के बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है BTC USDT पेयर के लिए। लेकिन अब BTC यहाँ पर जितना कंसोलिडेट करेगा और इसी रेंज के अंदर ही रहेगा, बेशक ना ज़्यादा अप आए ना ज़्यादा डाउन आए, लेकिन अगर इसी रेंज में भी रहा तो फिर आर्ट्स जो है वो तभी भी ग्रो करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इसके साथ जो है USDT डोमिनेंसी चार्ट के ऊपर जो है लाजमी नज़र रखनी है। तो अगर इसकी ये वाली रीजन टूट जाती है 3.45%, इसे एक सपोर्ट दे रही है, अगर ये वाली सपोर्ट टूट जाती है तो मार्केट के अंदर जो है आप इस चार्ट को समझने की कोशिश, ये USDT यू आप समझ लें मार्केट के अंदर जो कैश इनफ्लो है ये बाहर जा रहा है, तो फिर मार्केट जो है ब्लीड करेगी। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर जो है कैश इनफ्लो दोबारा आना शुरू होगा आल्ट्स के अंदर पैसा, तो ये जो है मार्केट जो है ग्रो करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट से पैसा बाहर निकल जा रहा था, मतलब तो कैश आउट तो मार्केट ब्लीड कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये वाली लाइन नीचे आती है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि आर्ट्स जो है वो बहुत स्पीड के साथ जो है ग्रो कर रही थी। तो अभी ये जो है अगेन एक डाउन ट्रेंड की शक्ल में है, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट आज जो है ग्रीन है। तो इसकी मेन रीज़न भी आप लोग इन चार्ट्स के ऊपर जो है लाजमी फोकस करें। अब आते हैं इन अदर पेयर की तरफ, BNB USDT पेयर की तरफ। तो BNB पेयर को जो अप फोर हॉल टाइम फ्रेम के ऊपर जो सीमी रेजिस्टेंस है तो वो है पायो $18 के ऊपर, फिर नेक्स्ट जो स्मॉल रेजिस्टेंस है पायो 32, फिर नेक्स्ट पायो 41 और पायो 49 और पायो 66। लेकिन ये वाला रीजन BNB के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अगर हम जूम आउट करके देखें तो ये वाला एरिया आप देख सकते हैं नेक लाइन की जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इन केस ये टूट जाती है तो फिर BNB के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 436 के आसपास और इससे बिलो जो है 420 से लेकर 428। तो खैर ये लेवल आप लोग सिर्फ अपने जहन में रखें, इन केस अगर प्राइस यहाँ तक आ जाए तो आप लोगों के लिए DCA का अच्छा मौका होता है इन कैंस के अंदर। अब आती है इन अदर पेयर इथेरियम USDT पेयर की तरफ। इसके लिए मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी और प्राइस जो है इसी ट्रेंड लाइन को जो है रिस्पेक्ट, अगर प्राइस इसी के अबव है तो इसे सपोर्ट, लेकिन जब ये टूट जाती है तो फिर रेजिस्टेंस सक्सेसफुल रिटेस्ट और फिर प्राइस होती। तो खैर अभी इथेरियम की प्राइस जो है इसके बिलो है और यहाँ पर सीमी रिजेक्शन मिली, लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड टूट जाएगी तो अगेन इसके ऊपर जो है ये, लेकिन ओवरऑल जो है ये एक अप ट्रेंडिंग प्लेट जो है इथेरियम ले रहा है और जो सीमी रेजिस्टेंस है इथेरियम के लिए तो है 3966 के आसपास और जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस 410 से लेकर 450 के आसपास। तो खैर इथेरियम जो है आउट क्लास परफॉर्म करेगा BTC USDT पेयर के ऊपर, लेकिन आप कोशिश करें कि इन सपोर्ट्स के ऊपर और यहाँ तक 3177 के आसपास आप मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर बाइंग लगा दें, ये अच्छे कैंस है। इन केस नीचे आती है वीक की शक्ल में आप लोगों के आर्डर ट्रिगर होंगे तो आप लोगों को एक अच्छी एंट्री इन कैंस के अंदर मिलेगी। अब आती है उन पेयर्स की तरफ जिनकी कॉल मैंने दी हुई थी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और खैर ये तो एक प्रीमियम कॉल है लेकिन इसको मैं सिर्फ इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि अगर आप में से किसी ने इसके अंदर ट्रेड ली है ताकि आपको इसके लेवल भी जो है मालूम हो सके। तो ऑलमोस्ट जो है ये 87% गेन में है और अभी ये जो है अपनी रेजिस्टेंस जोन्स को जो है पेस करें, इसके बाद जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूट जाएगी तो इसके लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है
3.48 के आसपास है, और FTM जो है न्यू LTH के लिए अभी रेडी है, तो ये इंशाल्लाह न्यू LTH बहुत जल्द क्रिएट करेगा। अब आते हैं नियर USDT पेयर की तरफ, और इसकी जो वीडियो थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी कि आप इस स्कैन के अंदर जो है लाजमी एंट्री लें। तो खैर, नियर USDT पेयर को अब जो सीमी सपोर्ट हासिल है तो वो है $16 के ऊपर, और इसे जो रेजिस्टेंस है तो ये है 17.97। तो ये ईजिली अभी अगर अपनी ये फ्लाइट कंटिन्यू रखेगा तो ये 30 to 40 और फिर 60-70 ऑलमोस्ट $100 को जो है ये ईजिली टच करने की पोटेंशियल रखता है। लेकिन अगर मार्केट करेक्शन लेती है तो इसकी जो सीमी सपोर्ट है $13, बिलो सपोर्ट 13.049, इसके बाद नेक लाइन की जो सपोर्ट है $11, और स्ट्रॉन्ग बेस की जो सपोर्ट है इसे $8 है। लेकिन ये इतना नीचे रिट्रेस नहीं हो सकता, यहाँ नेक $10 तक रिट्रेस हो जाए तो आप लोग जो है इसे ब्लाइंडली इसके अंदर जो है एंट्री ले सकते हैं। अब आते हैं उन पेयर्स की तरफ, तो ये ऐसे पेयर है जब मार्केट करेक्शन लें आप कोशिश करें इन पेयर्स के अंदर जो है आप ब्लाइंडली ट्रेड लें, क्योंकि ये पेयर जो है वापस जल्दी रिकवर होंगे और आप लोगों को कभी भी लॉस नहीं होगा। तो इसे मैंने दो लाइन रखी थी, एक ये वाली जो लाइन है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस लाइन है, और ये जो थी ट्रेंड लाइन की सपोर्टी। तो ट्रेंड लाइन जो है टूट चुकी है और अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो पोर हॉर टाइम फ्रेम के ऊपर लूना के लिए अब जो सपोर्ट है 83.78 है, इसकी बिलो जो सपोर्ट है 78 है। लेकिन जो ट्रेंड लाइन की जो स्ट्रांग सपोर्ट है और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ट्रेंड लाइन जो है वो 74.28 है। तो आप अगर ये पेयर नीचे आता है तो आप इसको ले दीजिए, और इसके जो नेक्स्ट टारगेट है तो ऑलमोस्ट $117 है। सोल USDT पेयर को चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। तो सोल पेयर जो है अभी ऑलमोस्ट ये वाली एक फेक डिविएशन थी, लेकिन ओवरऑल ये वाला जो लाइन मैंने ड्रा की है तो ये इसके लिए स्ट्रांग सपोर्ट एक है जो है कि $166 के साथ। तो सोल में अभी एंट्री की जो है बेस्ट मतलब बैंक जोन के अंदर है, और अगर प्राइस यहाँ तक आती है 148 तो एक स्ट्रांग सपोर्ट है इन अदर, आप यहाँ पर भी एंट्री लें। और पोर हॉर टाइम फ्रेम के ऊपर इसे जो पहला रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा तो वो होगा $185 से लेकर $187 के आसपास। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा तो ये फिर नेक्स्ट 204। तो ये छोटे छोटे लेवल जो मैं बता रहा हूँ स्केल्पिंग के लिए बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो इन चार्ट्स को यूज़ करके मैंने डिटेल के साथ यहाँ पर इनकी मार्किंग की होती है, तो आप इसको स्केल्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन खैर, ओवरऑल जो स्ट्रांग सपोर्ट है $116 जो है एक वीक की शक्ल में आप देख सकते हैं, प्राइस जो है यहाँ पर इसके लिए जो हैविंग बाइंग ऑर्डर जो है पहले ही से लगी हुई है। तो यहाँ पर आती ही आप लोग कुछ ऑर्डर्स लगा ले, ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ तक नीचे आए, लेकिन इन केस अगर मार्केट करेक्शन लेती है ये ट्रिगर हो जाती है तो आपकी मतलब बाइंग प्राइस अगर इसमें ऊपर भी है तो वो आपकी DCA हो जाएगी, तो आप लोगों की एंट्री जो है अच्छी मिल जाएगी। और जो न्यू है तो वो नीचे के लिमिट्स लगे, जिससे ही ट्रिगर होगी आपकी ट्रेड जो है डायरेक्ट इंशाल्लाह प्रॉफिट के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप मतलब इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। अब आते हैं इन अदर पेयर की तरफ जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसने जो है अपनी रेजिस्टेंस जो है ये वाली, ये आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस को इसने पंच किया। अब इसके ऊपर ये सक्सेसफुल रिटेस्ट अगर कर लेता है तो फिर जो है कावा पेयर जो है इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 5.307 से लेकर 5.409 के आसपास है, तो ये जो है अप ट्रेवल करेगा। इसको आप देख सकते हैं, एक मिनट चार्ट पूरा लोड हो जाए, ये वाला जो एरिया है इसके लिए। तो जैसे ही लास्ट डेटा अगर आप लोग इसका ट्रैक करें, ये टूटी है सक्सेसफुल रिटेस्ट और फिर आप देख सकते हैं। तो अब अगेन ये वाली रेजिस्टेंस इसके लिए जो थी बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी, जो कि इसने मतलब सक्सेसफुली इसको ब्रेक किया हुआ है और अब ये अप जाने की पोटेंशियल रखता है। तो आपने इस पेयर के ऊपर जो है लाजमी नज़र रखनी है। इन अदर जो पेयर है TVK USDT पेयर, आप लोगों ने इस पेयर के ऊपर जो है लाजमी नज़र रखनी है। ये पेयर जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था और हमारे जो कैल्स थे इसके ऊपर ये इसने सारे हिट किए, इसने काफ़ी अच्छा खासा गेन दिया, फिर हम लोगों ने इसमें ट्रेड नहीं लिया। अब जैसे ही दोबारा डिप के अंदर आया तो अभी अगेन इसके अंदर जो है हमने एंट्री ली है, तो आप लोग कोशिश करें इस पेयर के ऊपर जो है लाजमी नज़र रखें।
और ये कैंसिलोरेट करें, और अभी इसके लिए जो सीमी रेजिस्टेंस है 0.2292, फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 0.2481, और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए 0.32 के आसपास है। तो ये टूटी ही डायरेक्ट ये अगेन अपनी अप ट्रेंडिंग प्लेट जो है पकड़ेगा, लेकिन ये अभी स्लोली स्लोली एसेंड होगा। इसकी जो है डायरेक्ट विक की शक्ल में ये एसेंड कभी भी नहीं करता। ये आप इसका पास्ट डेटा चेक कर सकते हैं। स्लोली एक ट्रेंडिंग लाइन की जो सपोर्ट थी उसे रिस्पेक्ट दे रहा था। एक मिनट, इसकी अगर हम सीमी ट्रेंड लाइन ड्रा करते उस टाइम की, फिर ये टूटी ही, फिर भी लो की सपोर्ट इसे मिलनी शुरू हुई। लेकिन खैर ओवरऑल जो है ये स्लोली एसेंड करेगा, तो आप लोग जो है इस पेयर के अंदर जो है लाजमी एंट्री ले, अगर आप लोगों ने इस पेयर को मिस किया हुआ था तो। खैर मे बी ये थोड़ा और भी कंसोलिडेट हो, लेकिन अभी ये अपनी कंसोलिडेशन इसे कहते हैं, मतलब न्यूट्रल सा पड़ा होता है। ओवरऑल अगर आप इसकी ग्रोथ देखें ना, ज़्यादा अप ना ज़्यादा डाउन, आपको यूँ लगेगा कि आपने USDT ख़रीद ली है, क्योंकि इसके अंदर इतनी मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये रवाना होगा तो आप लोगों को जो है अच्छा खासा प्रॉफिट इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। तो